अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल यानी 21 मार्च 2023 को दिन के करीब 12:30 बजे इलाके के मशहूर व मारूफ आलम दीन अलहाज हजरत मौलाना जनाब समीरुद्दीन साहब मोहतमी मदरसा रसेदिया लोहिया खांदर चिकावरी पंचायत बहादुरगंज हमारे बीच नहीं रहे। पिछले कुछ दिनों से इनकी तबीयत कुछ खराब चल रही थी। वाकई जिसने भी ये खबर सुनी सभी को काफ़ी दुख हुआ। मौलाना काफ़ी दिनों से इनकी अजदवाई ज़िंदगी के साथ साथ लोगों की खिदमत में रहा करते थे। गमजदा और परेशान लोगों की खिदमत में हमेशा लोगों के बीच रहते थे। मौलाना का अखलाक और किरदार इतना अच्छा था कि बस सिर्फ एक बार उनसे सलाम व कलाम हो जाए और इनकी दुआ से मुत्तफिक होने के बाद हर दम हर आदमी अपने को पुरसकून और इत्मीनान समझते थे। और ना जाने इलाके के कितने ही लोग इसे फैजियाब होते थे। मौलाना के ना रहने से इनका एहसास तो हमेशा लोगों के दिलों में रहेगा ही। उनके जनाजे में हजारों हजार की तादाद में उनके चाहने वाले जनाजे में शरीक हुए। लोगों की इस तरह से भीड़ और हजम को देखने के बाद यह लगा कि लोगों के दिलों में मौलाना की कितनी इज्जत है और यह मकाम उन्होंने खुद बनाई थी। क्योंकि जो अल्लाह वाले होते हैं इनसे दीन और दुनिया दोनों चमकता है और दीनदार लोगों की मोहब्बत का बास बन जाता है। बहरहाल इंसान पैदा हुआ है, उसे तो वापस ही जाना है, ये तो कुदरत का अपना निजाम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौलाना समीरुद्दीन साहब को जन्नत और फिरदौस में आला से आला ऊंचा मकाम अता फरमाए और इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और हमें भी राय हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलता हूँ।